आज हमारी चल रही है पैकिंग एग्जैक्ट 30 केजी लेकर. नेक्स्ट टाइम दिलदान चाइनीज बोलता हुआ आएगा. हाँ, ये दिलदान के मोटे कपड़े पैक हो रहे हैं. ये सारे स्वेटर्स हैं क्योंकि वहाँ पे काफी ठंडा मौसम होगा. अंदर से कुछ इस तरह का है. This is our last visit to the dentist. ये एक स्ट्रिप आप अपने पास रखी हुई है. You to do your RPR, ठीक है? ये उधर फिर इधर से हम नहीं भिजवा सकते. You packing your stuff? My animal. दिलदान यहाँ अपनी पैकिंग कर रहा है. रेडी टू गो. ये अच्छी क्योंकि वहाँ पे ठंड होगी तो ये अच्छी लगेगी. दिलदान चैनल कैसे आप सब. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. मजे में होंगे. आज हमारी चल रही है पैकिंग शैकिंग. तो कल ग्रोसरी वगैरह लेकर आए थे तो हमने कहा वो सारी जो है वो पैक करते हैं. एंड उसके साथ साथ हम लोग एक लगेज भी लेकर आ गए हैं खरीद के, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. 3 मुझे लगेजेस चाहिए थे, लाइक एक दो बड़े 30 केजीज के, एंड एक जो था मुझे हैंड कैरी चाहिए था. तो बाकी 2 ले लिए हैं, एक अभी लेना बाकी है. सो अभी हम लोग जो है पैकिंग कर रहे हैं. पीछे आप सामान देख रहे हैं बिरयानी का. ओके गाइस, अभी हम यहाँ पे ये सारी पैकिंग कर रहे हैं. सारा सामान जमा हो चुका है नीचे. दिलदान कम है ये भी पता चल सके. ये भी बिरयानी है, ये पुलाव बिरयानी, ये पुलाव है, कोरमा मसाला, इन सब पे ऑलरेडी रिटन है. यू हेल्पिंग. हां, ये तो लगाओ ना. ओके, ओपन द बॉक्स. सही है, ये पुलाव बिरयानी है. सारे मसाले पैक हो रहे हैं. दिलदान ओपन ओपन बॉक्सेस फिर आ गए. तो यहाँ पे हम ये सारे जो बॉक्सेस हैं इनमें से मसाले निकाल के रख रहे हैं क्योंकि वेट बहुत ज्यादा हो जाता है. इतने ज्यादा लग रहे थे जब हमने कल मसाले बाय किए और अब लग ही नहीं रहे. जब सारे खोले ना तो इतने से हो गए खुल. मुझे तो बस देख देख के वेट का डर लग रहा है कि वेट ना ज्यादा हो जाए. वेट मामा, ये चने की दाल और ये बाकी जो चीजें ना ये अलग से पैक करनी है. सारे मसाले जात पैक हो गए. कलौंजी के हमारे पास 2 आ गए. 2 का मैं क्या करूंगी माँ. 2 आ जाएंगे ना. कलौंजी खराब नहीं होती ना, दाल में भी डाल सकती हो, आलू की सब्जी में भी डाल सकती हो. हाँ, जिस चीज में थोड़ा हेल्दी भी बहुत है ना. कलेजी तो कलेजी कलौंजी. अरे साथ रेसिपीज भी बता रही है मसाले पैक करने के साथ साथ. जीरा, कलौंजी और लौंगी मिर्च. लौंगी मिर्च वो गोल वाली, गोल वाली. हाँ, हाँ, हाँ. थोड़ा सा पकाओ और फिर नमक मिर्च हल्दी डाल के टमाटर काट. टमाटर बहुत डलते हैं. अच्छा, वो डाल दो. ठीक है, इसमें भी वही होगा. अगर तुम चिकन को इस तरह से पकाना चाह रही हो टमाटर में झटपट बने, बस झटपट. हाँ, चिकन को भी ऐसे ही पका के फिर उसमें चीजें डालो. टमाटर डालो. कोफ्ते बना रही हो तो भी कच्चे कोफ्ते पहले फ्राई करो और इसी यही रेसिपी यूज करो. कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी रह गई है. मैं बलिदान को करूंगी, ये भी मिस... बीवी का करूंगी मैं. ये भी मिस करूंगी मैं, ये भी. वो जो मिस ठीक है. देयर फाइट द बाइसाइकिल इन द लगेज. यस, वी विल पुट योर बाइसाइकिल इन द लगेज. यस यस यस. अच्छा, वो तो मॉम कह रही है मैं पहली फुर्सत में उसको ठिकाने लगाऊंगी. बहुत सी चीजों को पहली फुर्सत में झटपट हो जाएगा. मगर मैं विलदान आएगा उससे पहले विलदान के लिए न्यू बाइसाइकिल, न्यू कार, जो जो विलदान की जरूरत है सारी लेकर रखूंगी. न्यू वन. ओके विलदान, नेक्स्ट टाइम विलदान चाइनीज बोलता हुआ आएगा. नी हाओ. व्हाट अ बिग पैकेट. विलदान क्या बोला? स्पीक इन चाइनीज. नी हाओ माय फेवरेट माइलो. ओके, यस, दिस इज फॉर यू विलदान. Vildan, what are you doing? Why you will not miss me? After you will come. You will go in aeroplane? Yes. Baba, then how can I come? Mr. Roy! Baba, you didn't buy... So Vildan यहाँ अपनी बाइक पार्क करके आ गया है और यहाँ पे इसे पैकिंग स्टार्ट कर दिया. Come on. What is that? I don't know. Now it's time to take out these things, guys.
My chips crackers, we have to put oil inside. Masala chips. What is that? A green noodle. मिल्दान इट्स ऑलरेडी सो फुल बेबी. मेन जो था ना वो मसालों का था, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उधर मसालों की आती है कि मसाले उधर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. बाकी हर चीज मिल जाती है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन मसाले उधर नहीं मिलते. जो पाकिस्तानी टेस्ट होता है वो जो है हम वहाँ उसको बहुत तरसते हैं. सो ऑनलाइन फिर भी मिल जाती है चीज़ें, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है. तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, तो आई थॉट मैं ले ही जाऊँगा साथ में. खाना शाना खाते हैं उसके बाद फिर काम कंटिन्यू करते हैं. खाना खा के जाना है. खाना खा के फिर काम करना है. Show me. What is that? A lion. Lion? ये कैसा lion है? His face is angry. Angry face. Muslim lion. Yummy सा lemon भी हमने चखा. आज वैसे नहीं बनाई तुमने, जो बना चुका ना आलू बैंगन, आज तुम्हें जान छुआई होगी लग रहा. चख के बताओ कैसा है. चखा है नहीं तुमने पहले. आज वैसे मुझे की नहीं बनी है. आज मैंने मॉम की पसंद की बनाई है. मॉम ने कहा था जो ये बैंगन है ना, ये बैंगन को जिंदा रखना, तो मैंने आज बैंगन जिंदा रखे हैं. सो ये है लगेज जो मैंने बाय किया है, एंड ये कुछ ऐसा है. एलवी का है ये. कितने करोड़ का है मेरा? ओरिजिनल एलवी का मैंने बैग लिया है. और मेहरान कितना कितने करोड़ का है? 22.5 करोड़. यार मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मेहरान ने कहा फेक है मतलब मैंने कहा नहीं मैं तो लूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है मैं लूंगी. अच्छा इसका हैंड कैरी भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ. हैंड कैरी मेरा रेड कलर में है, एंड ये जो बड़ा वाला है बैगेज ये है ब्राउन कलर में. और एक और हमें अभी बाय करना है. ये तो फेंको मेहरान. भाई 3 लाख का ये भी होगा क्या? 3 लाख का होगा ये भी. ये ओरिजिनल एलवी का नहीं है. ऑब्वियसली नहीं है यार क्या. तो ये ऊपर ना ये कोटिंग सी लगी हुई है, ताकि मैं जो हूँ बाद में इसको उतार भी सकते हैं. ओके जी, हम इसको ओपन करते हैं. अंदर से कुछ इस तरह का है. यार मेरे प्लीज़ एक्सक्यूज माई रूम की हालत, यार बड़ा अजीब हो रहा है क्योंकि अभी चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं. मैं सारी सेटिंग कर रही हूँ अभी. अच्छा जी ये भी देखें, ये देखें इस तरह से, ये इस पर प्लास्टिक कोटिंग हुई भी है ताकि ये डैमेज ना हो. यार मसाले वसाले इसमें भरे या दूसरा जो लेंगे उसमें भरे? इसमें भर देना अभी. आराम से खोलना है. ऐसा ना हो मैं खोलूँ तो सारी चीनी चावल सब मिक्स हो जाए. हाँ ऐसा ना हो. तो बाजे नसीब वाले का बाजे, हमारे काम है बेचना बाजे. हम आपको सही माल दे रहे हैं. ये देखिए जी कितने अच्छे से ये सारी पैकिंग हो चुकी है. थर्टी के जी का, 30 to 35 kg. वैसे मुझे अलाउड है 35 मुझे है, 25 बिल्दान को है, तो हमारा मिला के 60 kg है. ये जो लगेज है ये वाला, ये 30 kg जो है वो आराम से अच्छा खासा जो है वो इस लगेज का खुद का भी वेट होगा, तो हमें वो भी जहन में रखना है. ग्रोसरीज वगैरह जो है वो सिर्फ 17 kg का हो रहा है. बच्चे 13 kg जो है वो बिल्दान के कपड़े आ जाएंगे. ये हो गया 30 kg. अब जो 30 kg बचा है उसमें सिर्फ मेरे कपड़े जाएंगे, मेरे कपड़े, मेरे शूज़ वगैरह, स्किन केयर, मेकअप वगैरह, वो अब मुझे 30 kg में करना है. मैं कोशिश कर रही हूँ कि हैंड कैरी जो है वो मैं ना ही लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्दान को भी देखना होगा. अकेली होंगी मैं, ट्रैवलिंग अकेली कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये भी चीज़ें मुझे देखनी होंगी. हाँ ये बिल्दान के मोटे कपड़े पैक हो रहे हैं, ये सारे स्वेटर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम होगा, तो उधर यही चीज़ें हमें काम आने वाली हैं. ये रह गया, अब इसको हम बॉक्स के साथ ही रख देते हैं अंदर. जल्दी देखना तुम्हें, जल्दी देखना है. सो हम वेट करने लगे हैं. एग्जैक्ट 30 kg वेट है. यू पैकिंग योर स्टफ? बिल्दान यहाँ अपनी पैकिंग कर रहा है. ये बिल्दान का हैंड कैरी है. ये बिल्दान के मामू लाए थे उसके लिए चाइना से, जब बिल्दान बहुत छोटा था. तब तो बिल्दान कैरी नहीं करता था, बट अब बिल्दान बड़ा हो गया. फिर बिल्दान विल कैरी दिस.
तो हमें कब से देख रहे हैं ना ये पैकिंग करते हुए, तो अब इसको भी शौक चढ़ गया है, कह रहा है मैं अपने टॉयज वगैरह सब पैक करूँगा। Your packing is done? Yes. You're ready to go? अभी निकल गए हैं, पैकिंग शैकिंग कर ली है एंड बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज सुबह 7 बजे से मैं उठी हुई थी, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, अब मेरी आंखें बंद हो रही हैं, लिटरली बंद हो रही हैं। और मेहरान खुली हुई आंखें कहाँ बंद हो रही है? मेहरान ने भी वैसे आज बहुत काम किया, बहुत मैंने किया है बेटा सब। नहीं यार हाँ, थोड़ा बहुत बस मैं 7 बजे से लगी हुई थी और अब 7 बज रहे हैं। ये देखें मेहरान गाड़ी तो साफ कर लो यार, 7:21 हो रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास और ये मेरा शायद लास्ट अपॉइंटमेंट होगा, है ना? ये बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा जाने का, मैं काम अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निपटा रही हूँ। आज डेंटिस्ट के पास जाना है क्योंकि जी मेरे अलाइनर्स जो हैं वो मुझे सारे लेने हैं और जो भी है उनसे डिस्कस करेंगे कि भाई अब लॉन्ग टर्म के लिए जो है आप क्या ट्रीट करेंगे। सो चुका है विल्दान, आया था जिद करके हमारे साथ और विल्दान सो चुका है। ये रोड गाइस मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, बलोच कॉलोनी वाला ये ब्रिज है, इधर से मैं जाया करती थी अपने ऑफिस हॉस्पिटल जाया करती थी मैं। सो या बड़ा याद आने वाला है मुझे ये रोड। और यहाँ मेहरान की यूनिवर्सिटी भी है, दिस वन इकरा यूनिवर्सिटी मेहरान की नहीं, मतलब मेहरान यहाँ पढ़ा करते थे। हॉस्पिटल जाती थी, जॉब पर जाती थी, तो बड़ी मेरी यादें हैं यहाँ से। इतना ट्रैफिक में मैं फंसती थी, वो कभी कभार एक एक घंटा लग जाता था हमें इसको। ओके गाइस, सो हम लोग पहुँच चुके हैं क्लिनिक, अभी क्लिनिक एंड यहाँ मेरा ब्रॉडवे खाने का दिल कर रहा है बट आफ्टर अभी हम चलते हैं क्लिनिक में, विल्दान को ले आओ। नींद इतनी आ रही है और विल्दान को सोफे को देख के फौरन नींद याद आ जाती है। आप देखिए ये वाला दांत यूं जा रहा है, हाँ। ये वाला दांत यूं आ रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा घिसा हुआ है। अच्छा। ये जब पूरे अलाइन हो जाए फिर नीचे से हम इसको स्ट्रेट कर देंगे, वो मैं मटेरियल इसको प्रूव करूँ। अब मैं तो पता नहीं कब आऊँ, अभी से आप थोड़ी सा प्रेडिक्ट कर सकते हो। सवाल जी, इट्स नॉट अबाउट फाइनिंग, आई एम नॉट फाइनिंग। आज के बाद जो है द फोर्सेज आर गोइंग टू बी चेंजिंग, ठीक है। वन मोर थिंग, ऑलवेज रिमेंबर इट्स नॉट अ ग्लव और अ सॉक्स कि भी आपने पहनो और ये हाथ पे बिल्कुल चढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्सेस बढ़ती जाएंगी, मूवमेंट्स बढ़ती जाएंगी, तो आपने करना चाहिए यू हैव टू प्ले विद इट्स यू बी वी डी। आप यू हैव टू रोल द कॉटन, उसको एक बॉल बना के दोनों लाइन के बीच में रख के आपकी बाइक को ऑन करो फॉर 24 to 48 hours। आफ्टर 48 hours लाइनर जो है ऑटोमेटिक रिसीव कर जाती है। अगर दर्द कर रहा है वहाँ पर यू कैन ऑलवेज टेक अ प्लेन काइंड ऑफ। मुझे ऊपर भी इतने गैप्स चाहिए कि मैं उस हिसाब से इसको पीछे लेके जाऊँ। ये एक स्ट्रिप आप अपने पास रखी हुई है, ओके, कभी ज़रूरत हुई तो आई कैन ऑलवेज आस्क यू टू डू योर RPR, ठीक है। ये उधर फिर इधर से हम नहीं बिलवा सकते, यूँ करके इसको सिर्फ यूँ रब करना होगा, ठीक है। और जहाँ पे मैं आपको भूलूँगा वो बात की बात है, मे भी ज़रूरत ना आए। अभी ये जो हमारी कुछ रिमेनिंग पेमेंट है वो भी हम करेंगे एंड ऑब्वियसली मैं नहीं आ पाऊँगी यहाँ पे, तो फिर मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया कि मुझे जितना भी है लाइक जो आप जो मुझे ज़रूरत है तो वो आप कर दें। मेरा अलाइनर ट्रेस ले लो, तो अलाइनर ट्रेस ले लेते हैं हम
एंड बस ऑनलाइन कंसल्टेशन में डॉक्टर से लेती रहूँगी, उनसे कॉन्टैक्ट में रहूँगी। तो अभी डॉक्टर ने ऊपर वाले दांतों में भी मेरे गैप्स किए हैं ताकि अच्छे से जो है वो अलाइनमेंट हो सके। सिक्स नंबर अलाइनर पहना है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ती जाती है, दर्द है बहुत। जैसे जैसे फोर्स बढ़ती है ऑब्वियसली फिर पेन भी होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो पेन को बर्दाश्त करना पड़ेगा ताकि हमारी अच्छे से अलाइनमेंट हो सके। दिस इज़ आवर लास्ट विजिट टू द डेंटिस्ट। बिल्दान की भी जो दांत है उनमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स है, लेकिन बिल्दान जब बड़ा हो जाएगा 7 ईयर्स के बाद, ऑब्वियसली इसके अभी ये मिल्क टीथ हैं वो गिर जाएंगे, उसके बाद 7 ईयर्स के बाद अगर फिर भी गैप आता है तो फिर मैं इसको बचपन से अलाइनर्स लगवा दूँगी। अलाइनर्स नहीं बल्कि ब्रेसेस लगवा दूँगी। बहुत बड़ी हम गलती करते हैं जब बचपन में, जितने आप यंग होते हैं ना उतनी जल्दी जो है गैप्स वगैरह फिल होते हैं। अगर दांतों में कोई भी ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हल हो जाती है प्रॉब्लम, बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आप एडल्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, जैसे मुझे हो रही है। काश मेरे अम्मा अब्बा मुझे लगवा देते ब्रेसेस। मैंने बोला नहीं महंगा है उसका शोर लग रहा है। जी नहीं ऐसी बात नहीं है। सो अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे लगेजेस देखने के लिए आए हैं। कितने का है प्राइस देखो, 25,000। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ये कलर बहुत लेने का दिल कर रहा है। हेलो किटी, यू वांट टू बाय दिस? टू बाय दिस यस वांट टू बाय दिस। इसकी क्या प्राइस है? 25,000 आफ्टर डिस्काउंट 22,500। अभी हम आ चुके हैं लगेज लेने के लिए और यहाँ पे विल्दान के वाइट शूज़ भी चेक कर लेते हैं। हमारी कुछ शॉपिंग रह गई है, मुझे वाइट शूज़ लेने हैं, एक लगेज बैग रहता है वो भी लेना है। बाय द वे आई एम जस्ट लविंग माय शूज़, मैंने अल्मास से लिए थे। बहुत ज़्यादा यार ये शूज़ अच्छा है, बट इसमें जो ये नीचे सोल है ना इसका वो डिफरेंट कलर का, वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। ये देखिए 5,000 का था और 3,000 में ये ऑफ पर मिल रहा है। व्हाट टू डू, एक और भी दिखाती हूँ, एक और मुझे पसंद आया हुआ। मेरा लुक एट दिस, ये मुझे गाइस अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरा वाइट है। वाइट के साथ अगर कोई ऊपर नीचे कलर हो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 44.50 दोनों पहन के देखो जो अच्छा लगेगा। न्यू राहुल में भी नहीं है, 38। कंफर्टेबल तो बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ओवरडू हुआ है ना, ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, बट कंफर्टेबल बहुत है। ये पैक कर दें। ठीक है सर, शूज़ हमने बाय कर लिए हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जीन्स देख लेते हैं या विल्दान की जीन्स देख लेते हैं? ओके, हॉपस्कॉच पे विल्दान की शॉपिंग करने के लिए पैंट्स देख लो। ये अच्छी शर्ट है विल्दान, यू लाइक दिस शर्ट? ये अच्छी क्योंकि वहाँ पे ठंड होगी तो ये अच्छी लगेगी विल्दान को। विल्दान इट्स अ पैंट, इट्स नॉट अ शर्ट। लाइक दिस जीन्स? यस। यू लाइक एवरीथिंग? दिखाओ विल्दान, शो मी। मेहरान ये जगह याद है? यहाँ गाइस हमारी शादी हुई थी, कोर्टयार्ड वेन्यूज। हाँ हाथ से कौन भूलता है बेटा? क्या बोला? हाथ से कौन भूलता है? सही बात है, हादसा था तुम्हारे लिए, अच्छा हादसा था ना विल्दान? डिड यू सी द प्लेस? मामा एंड बाबा गॉट मैरिड देयर। Look here. मैंने मॉम को उनकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था पहले। So cute. अपने बेड पे रखा हुआ है। And she just got this new sofa. विल्दान ने देखे पार्क की भी अपनी बाइक है इधर। ये हमारे निकाह की पिक्चर है, ये हुसैन लोग के निकाह की आई गेस पिक्चर है, ये मेरे निकाह की पिक्चर है, ये हम लोग कहीं बाहर गए थे, ये हमारी फैमिली पिक्चर है, ये हम लोग आउटिंग पे गए थे शादी से पहले, ये देखिए। ओके गाइस, तो ये देखें जी विल्दान ने आज ये क्या हंगामा कर दिया है घर में, इसने शॉप सुपरमार्केट बनाई है अपनी, दुनिया जान के सारे पूरे घर में ये। No, this is change the view.
stores over there. Hmm? No, this is no supermarket. Show me your face. Give me that pencil. Wait, show me your face. Give me that pencil first. देखें यहाँ से आप व्यू देखें, ये सारा इसने भर दिया है टॉयज से, ये वाला एरिया सारा टॉयज से भरा हुआ है, ये देखें ये वाला एरिया सारा टॉयज से भरा हुआ है। विल्दान, व्हाट यू जस्ट डिड, व्हाट हैपेंड टू योर फेस, व्हाट हैपेंड टू योर फेस, मैं सब कैसे साफ करूंगी, हाँ, हु विल क्लीन ऑल दिस मेस, नो वन, डोंट फॉरगेट टू वॉच टुमारोज़ व्लॉग, कल है हमारी दावत, हमारी कंबाइन फैमिली की दावत है, सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।